हमने ये सीखा कि ये आई में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, किस ऑब्जेक्ट का, किस इंस्ट्रूमेंट का क्या पर्पस है और वो क्या काम करता है। जैसे कि एक्वस और वाइट्रस जो ह्यूमर है, दो ये जो लिक्विड्स भरे हुए हैं, यहाँ पे वाइट्रस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, ये बेसिकली आई को वेट रखने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आई सूख जाएगा। सूखने से क्या होगा, यहाँ पे ये सब चीजें सूख के इनमें फ्रिक्शन पैदा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि एक गीले मतलब एक हरे पत्ते को आप ऐसा दबा के ऐसा छोड़ दें तो वो अपने शेप में वापस आ जाता है, वो फ्लेक्सिबल रहता है। लेकिन आप एक सूखे हुए पत्ते को ऐसा दबाए और छोड़े तो वो बिखर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वो पत्ते में वाटर का कमी है, वहाँ पे पानी नहीं, ठीक है। लेकिन जो हरा वाला पत्ता है उसमें पानी है, इस वजह से वो फ्लेक्सिबल है। उसी तरह से ये आई को भी फ्लेक्सिबल होना आवश्यक है। ये चीज़ ज़रूरी है कि ये चीज़ प्रॉपरली काम करे। जैसे कि आयरिस जो मसल है ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव करती है। तो अगर ये वेट नहीं होगी तो थोड़े से समय में ये खराब होने लगेगी। देन सेम विथ सिलियरी मसल्स एंड सेम विथ आईलेंस ऑल्सो, ओके। क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, रेटिना मूव नहीं करता। ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं और बेसिकली इनका सिर्फ काम यही होता है कि इमेज जो फॉर्म हो आँख में वो अच्छी से अच्छी इमेज फॉर्म हो और विदाउट स्ट्रेस फॉर्म हो, कम से कम स्ट्रेस लगे उस ऑब्जेक्ट को देखने में, ओके। सो अभी हमने सीख लिया कॉर्निया, आयरिस, आईलेंस, इन सभी की वर्किंग, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। देन नेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहूं तो उसको मैं कितनी दूर पे रखूं, मेरी आईज से कितनी दूर पे रखूं। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है इसकी भी एक लिमिट होती है, हमने देखा था इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देख सकता है और फोकस के पहले वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, फोकस के पहले रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को, मतलब फोकस और पोल के बीच में नहीं, फोकस से पीछे रखे हुए सभी ऑब्जेक्ट्स को ये बहुत अच्छे से एक रियल और इन्वर्टेड इमेज में बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आय है इसकी एक लिमिट है, ठीक है, इसकी लिमिट है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक टर्म हमने बनाया पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली ये शो करता है कि एक आय, किसी भी ह्यूमन की आय किस लिमिट तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस दूरी तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, किस दूरी के बाद उसको ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप एक स्टार को देख सकते हो, जो स्टार होता है उसको आप देख सकते हो, आप मून को भी देख सकते हो, आप मुझे भी देख सकते हो, आप आपके सामने रखी नोटबुक को भी देख सकते हो, आप अपने पेन को, अपने हाथों को भी देख सकते हो। इन सभी ऑब्जेक्ट्स का आपकी आई से डिस्टेंस अलग अलग है, ये डिस्टेंस वेरिएबल है। स्टार दूर है, मून थोड़ा सा पास है, मैं और थोड़ा सा पास हूँ, आपकी नोटबुक थोड़ी और पास है, आपके हैंड्स आपके थोड़े और ज़्यादा पास है, ओके। ये सभी चीज़ें अलग अलग डिस्टेंस पर रखी हैं फिर भी इनकी क्लियर इमेज दिखाई देती है, बिकॉज ये आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। लेकिन एडजस्ट करने की भी तो कोई लिमिट होगी, कब तक एडजस्ट करेगा कोई भी व्यक्ति, कब तक एडजस्ट करता है, उसी तरह से ये आई लेंस भी कब तक एडजस्ट करेगा। तो इसके लिए हमने दो टर्म बनाए, एक बनाया फार पॉइंट और एक बनाया नियर पॉइंट। फार पॉइंट इज बेसिकली द डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट। सो फार पॉइंट इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ ऑब्जेक्ट इज विजिबल, एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल। सो हम कहेंगे कि हमारे आई के लिए जो ये फार पॉइंट है, दिस फार पॉइंट इज इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिट डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूं, जैसे कि स्टार्स या सन। ये सभी ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा दूर है, हंड्रेड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें देख पा रहा हूं बिकॉज
माय लिमिट, मेरा मैक्सिमम लिमिट जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखने का वो है इन्फिनिटी। ओके, देन इन्फिनिटी के बाद मैं ऑब्जेक्ट को पास लाते गया लाते गया, पास और पास, बिल्कुल पास लेके आया और मेरी आईज के बिल्कुल सामने रख दिया ऐसा पास एक। फिर मैंने इसको और पास किया, तो आप देखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपकी आईज के क्लोज आ जाएगा तब आप उसे नहीं देख पाओगे, तब आप उसे क्लियरली नहीं देख पाओगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। गेटिंग इट? जैसे कि मैंने एक 2 रुपीज का सिक्का लिया, उसको थोड़ी सी दूरी पे रखा तो आप कह सकते हो कि हाँ ये 2 रुपए का सिक्का है। इसको मैं पास लाते गया और एकदम क्लोज आपके आई के पास ले आया, एक लिमिट बाद आपको वो 2 रुपए का सिक्का दिखेगा नहीं कि उस पर 2 रुपए लिखा है, आपको दिखेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट है पता नहीं क्या, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इसी तरह से एक 5 रुपए के सिक्के को मैं आपके आंख के पास लाते जाऊं और एक लिमिट के बाद आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये 2 रुपए का है कि 5 रुपए का। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी आई की एक मिनिमम लिमिट है कि इस डिस्टेंस से ज्यादा अगर आप उसको क्लोज लाओगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप 2 अलग ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग नहीं कर पाओगे। आपको 5 रुपए और 2 रुपए का सिक्का दोनों गोल दिखेंगे लेकिन उस पर लिखा क्या है वो नहीं दिखेगा। ओके, सो इसीलिए हमने एक टर्म बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है जब तक आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश कर पाओ। आप क्लियरली कब तक मुझे बता सकते हो कि ये सिक्का 2 रुपए का है और ये 5 रुपए का? तो हम कहेंगे एक नॉर्मल आई के लिए ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ सिक्का आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन अगर उससे और क्लोज लेके आए तो हो सकता है आप उन दोनों सिक्कों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ। 5 और 2 रुपए के सिक्के थोड़े से दूरी पे हैं, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। जैसे ही मैं आए के एकदम क्लोज लाया, 25 सेंटीमीटर से और क्लोज लेके आया, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा सिक्का 2 रुपए का है कौन सा 5 रुपए का। ओके, कुछ लोग हो सकता है और क्लोज तक करें, लेकिन ये एक नॉर्मल आई की लिमिट है। इट डजेंट मीन कि अगर आप देख पा रहे हो तो आप एबनॉर्मल हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पास में लाके देख पा रहे हो, इट्स ओके, आप देख पा रहे हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको आईज में स्ट्रेन लगने लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नियर पॉइंट। सो ये नियर और फार पॉइंट बताते हैं कि आपकी आई की लिमिट कितनी है मिनिमम से मैक्सिमम की। तो मिनिमम लिमिट कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर। आप किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और क्लोज लाओगे तो आपको आईज में स्ट्रेन लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा। ओके, और इन्फिनिटी 25 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम कितना? इन्फिनिटी तक आप एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब इन्फिनिटी हमने कहा डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू। इन्फिनिटी डज नॉट मीन कि 1/0 और समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। अब वो बहुत बड़ा वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस, बहुत बड़ा वैल्यू क्या होने वाला है। ओके, सो दिस टू टर्म्स डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अगर मुझे एक दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो बताइए मुझे मेरे आईज में पावर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। हम कहेंगे अगर एक दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहता हूं तो उसे देखने के लिए मेरे आईज को कम पावर चाहिए, कम पावर में वो बड़ी आसानी से देख सकेगी। कम पावर मतलब कम कन्वर्जिंग पावर, जैसा हमने कहा कि ये पैरेलली लाइट रेज आ रही हैं तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे मीट कर जाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज को कन्वर्ज कराना हमारे आई लेंस के लिए आसान होगा। तो इसका मतलब ये जो फार पॉइंट विजन है, इस फार पॉइंट में हमें लेस पावर रिक्वायर्ड। और अगर नियर पॉइंट विजन की बात करें जो बिल्कुल क्लोज पॉइंट है, उसके लिए हमें पावर ज्यादा चाहिए, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल आंखों के करीब रखा हुआ है उसे देखने के लिए आपकी लेंस को, आपके आई लेंस को काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसको कन्वर्जेंस ज्यादा करनी पड़ेगी। और हमने कहा कि मैक्सिमम आप कितनी दूर रख सकते हो? 25 सेंटीमीटर।